अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में निहारी मसाला। तो बकरा ईद की तैयारी में ये हमारा तीसरा मसाला है। तो ये तीनों मसाले हमने एक टाइम पर ही प्रिपेयर करके रख लिए थे और आप भी प्रिपेयर करके रख लें क्योंकि हम बनाने वाले हैं इनसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी। तो बाकी के मसाले जो हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर होल स्पाइसेस ले लिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। साबुत मसालों में हमने सबसे पहले ले लिया है होल धनिया, बारीक सौंफ ले लिए मैंने, धनिया मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिया है, सौंफ मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लिया है, दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े ले लिए हैं मैंने यहाँ पर, और साथ ही में 4 से 5 बड़ी इलायची मैंने यहाँ पर ले ली हैं। तो ग्रीन इलायची यानी कि जिसे हम छोटी इलायची भी कहते हैं यहाँ पर मैंने 6 ले ली हैं। ये मैंने थोड़ा कम ही ली है क्योंकि मैं इसे डेजर्ट वगैरह में ज़्यादा ऐड करती हूँ। 10 से 12 मैंने लवंग ले ली है और 1 टेबलस्पून मैंने जीरा ले लिया है, साबुत जीरा, और मैंने यहाँ पर 2 तेज़पत्ते ले लिए हैं। नारियल का मैंने 2 इंच का टुकड़ा ले लिया है, आप चाहें तो कोकोनट पाउडर ले लें 2 टेबलस्पून। इससे क्या होगा कि आपको ग्राइंड करने में ज़्यादा सहमत नहीं होगी क्योंकि जब हम कोकोनट को ग्राइंड करते हैं अपने जार में तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है। जावित्री के यहाँ पर मैंने 2 टुकड़े ले लिए हैं, स्टार अनीस मैंने 1 पीस ले लिया है, जायफल मैं यहाँ पर 1/2 ऐड कर दूंगी। इनके अलावा हमने यहाँ पर ले लिए हैं 6 से 7 होल रेड चिली यानी कि जो साबुत लाल मिर्ची होती है वो मैंने यहाँ पर ले ली है, इससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसके अलावा अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली होल हो तो वो भी आप ले लें। यहाँ पर मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि होल मेरे पास मौजूद नहीं थी। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पाउडर स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पपीते का पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून, तो इससे गोश्त वगैरह बहुत ही जल्दी गल जाता है तो इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया है इसे। तो ये मैंने घर पर ही बनाया है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपसे रेसिपी जल्द शेयर कर दूंगी। कश्मीरी मिर्ची मैंने यहाँ पर ले ली है 1/2 टेबलस्पून, इससे कलर अच्छा आएगा हमारी निहारी में तो इसलिए इसे ज़रूर ऐड करें। पीपली का पाउडर मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है, तो पीपली को आप स्किप ना करें, ये मेन इंग्रेडिएंट है निहारी मसाले का। यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, ये मैंने घर पर ही बनाया था तो इसकी रेसिपी मैं आपसे इंशाल्लाह जल्द शेयर कर दूंगी। और साथ में मैंने यहाँ पर घर का बना 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, इससे हमारी निहारी में खुशबू बहुत अच्छी आती है तो इसे ज़रूर ऐड करें। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च ले लिया है, पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर, साबुत नहीं ऐड किया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर पाउडर ले लिया है। तो आप चाहें तो मसालों को इसी तरह से ग्राइंड कर लें, लेकिन हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे कुछ सेकेंड के लिए। तो जिस बर्तन में हमने टिक्का मसाला रोस्ट किया था उसी बर्तन में हम यहाँ पर मसाले को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर पाउडर मसाले नहीं ऐड करने हैं, सिर्फ हमें यहाँ पर साबुत मसाले ऐड करने हैं। तो मसाले अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं लो फ्लेम पर। हमें यहाँ पर मसालों की नमी ख़त्म करनी है और इसीलिए रोस्ट करना है ताकि मसाले हमारे काफ़ी टाइम के लिए स्टोर रह सकें। और मैंने अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में आपको बताया भी है कि अगर आप रोस्ट करेंगे मसालों को और अपने रेसिपी में ऐड करेंगे तो उस रेसिपी का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप मसालों को ज़रूर रोस्ट कर लें। तो मसालों की बढ़िया खुशबू आने लग गई है, गैस स्टोव बंद कर देंगे हम यहाँ पर और हम मसालों को यहाँ पर ग्राइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्लेट में ठंडा कर लेना है मसालों को। तो मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब हम जार में मसालों को ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही में 1 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। तो ये देखें हम जार में ऐड करके सारे मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर चुके हैं। तो हमारा निहारी मसाला बनकर हो गया है तैयार। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक बार फिर से अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।